जर्मनी, फ्रांस और इटली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी है। जर्मनी में एक दिन में लगभग 2,00,000 मामले सामने आए हैं। भारत में 24 घंटों में कोरोना के मामलों में 66% की वृद्धि दर्ज हुई है। कोरोना के नए सब वेरिएंट जी ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। यह वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। यह सब वेरिएंट कोरोना के अब तक के सभी वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक और खतरनाक है। दक्षिण एशियाई देशों में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। चीन में एक दिन में कोरोना के 19,927 नए केस सामने आए, जबकि शंघाई शहर में अकेले 95% मामलों के साथ 18,902 केस सामने आए। भारत में कोरोना के 2,000 नए केस सामने आए। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने घोषणा की है कि वो अब तंबाकू से जुड़े ब्रांड विमल इलायची के लिए विज्ञापन नहीं करेंगे। अपने फैंस से कड़ी आलोचनाओं का सामना करने के बाद उन्होंने एक ट्वीट के जरिए लोगों से माफी भी मांगी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज अपने भारत दौरे की शुरुआत बुलडोजर के प्लांट के उद्घाटन से करने वाले हैं। वो वडोदरा के हलोल में बुलडोजर बनाने वाली यूनिट का उद्घाटन करेंगे। जापानी की ऑटोमोबाइल कंपनी निसान ने भारत में डेटसन ब्रांड को बंद करने की घोषणा कर दी। निसान इंडिया ने एक बयान में कहा, डेटसन रेडिगो का प्रोडक्शन चेन्नई प्लांट रेनो निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में बंद हो गया है। जब तक इस मॉडल का स्टॉक रहेगा, बिक्री जारी रहेगी। कंपनी अपनी कारों की सुस्त बिक्री को लेकर 2020 में रूस और इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका के साथ अन्य दो देशों में ब्रांड को बंद कर चुकी है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 15वें सीजन में कल दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच खेला गया। इस मैच में पंजाब किंग्स को दिल्ली कैपिटल्स ने करारी शिकस्त दे डाली। पंजाब किंग्स को इस मैच में 57 गेंद बाकी रहते हुए 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। लगातार 6 हार के बाद बाहर होने की कगार पर पहुंची मुंबई इंडियंस की टीम आज चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत दर्ज करके IPL में अपनी उम्मीदें बरकरार रखने की कोशिश करेगी। 5 बार की चैंपियन मुंबई की टीम ने इस सत्र में एक भी मैच नहीं जीता है और आज हारने पर वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के दोनों मामलों की सुनवाई कर रही सिंगल बेंच के जज ने मुख्तार के मामलों में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस राजीव गुप्ता ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने दोनों मामले चीफ जस्टिस के पास भेज दिए हैं, जिससे अब चीफ जस्टिस राजेश बिंदल किसी नई बेंच को इन दोनों मामलों की सुनवाई के लिए नामित करेंगे। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने अमेजन प्राइम पे आने वाली अपनी नई वेब सीरीज का एक वीडियो जारी किया है। इस वेब सीरीज का नाम इंडियन पुलिस फोर्स है और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में है। इसे भारत की सबसे बड़ी एक्शन वेब सीरीज बताया जा रहा है।